फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम छोले बनाएंगे। छोले काबुली चने से बनाए जाते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बड़े ही आसानी से बन जाते हैं। छोले को अनेकों चीज़ों के साथ बनाया जाता है। छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले पूरी, छोले चावल, छोले सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम काबुली चने लिए हैं। ये प्याज और अदरक की प्यूरी है, टमाटर की प्यूरी है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया, ऑयल, तेजपत्ता, अदरक, हरी मिर्च, लौंग, खड़ी मिर्च, दालचीनी। अब हम छोले का तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1/3 ऑयल लिया है। तेल गरम हो गया है। अब हम दालचीनी डालेंगे, खड़ी मिर्च डालेंगे और ये तेजपत्ता डाल दिया है, लौंग डाल देंगे। अब ये हम प्याज और अदरक लहसुन की प्यूरी डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारा मसाला फ्राई हो गया है। इसमें आप 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 2 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए हमारा मसाला फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। हमारा तेल ऊपर आ गया है। अब हमें हमारे ये कच्चे काबुली चना कुकर में डाल देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि मसाले हर जगह अच्छी तरह से मिल जाएं। ये हमारा सीक्रेट प्रोसेस है। इसमें मैंने 3 कप पानी लिया है और ये मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दी है। छोले को हम फिर से अच्छी तरह से चला देते हैं ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाएं। इसे हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2-3 मिनट बाद अच्छी तरह से फिर से चला लेते हैं। अब हमने जो 3 कप पानी 2 चम्मच डाल के चाय पत्ती डाल के गर्म किया था उसे डाल देते हैं। इससे हमारे छोले बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कलरफुल बनेंगे। तो ये हमारा सीक्रेट प्रोसेस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। छोले में उबाल आ गया है। अब 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और स्वाद अनुसार आप नमक डाल लीजिएगा। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अब हम कुकर में 7 से 8 सीटी आने तक हमारे छोले को पकाएंगे। तो ये मैंने कुकर को कवर कर दिया है। हमारे कुकर ठंडा हो गया है। अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं और कितने ही ज़बरदस्त बने हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो इसे मैं सर्विंग बाउल में खाली कर लेती हूँ। ये मैंने खाली कर लिया है। अभी एक प्रोसेस बाकी है। 1 चम्मच हम बटर लेंगे, आप ऑयल या घी भी ले सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच हींग डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा
और ये जो हमने अदरक और हरी मिर्च काट के रखी थी ना वो डाल देंगे। इसे हल्का सा भूंजना है खाली। ये देखिए ये हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। अब हम इसे छोले पर इस तरह से अच्छी तरह से डाल देंगे। ये देखिए हमारा ढाबे स्टाइल छोले तैयार हैं। ये देखने में कितना ही लाजवाब लग रहा है आप देख सकते हैं। धनिया डाल देते हैं। ये हमारे छोले बनके तैयार हैं। तो इस तरह से आप घर पर छोले बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।